इस वेले वड्डी खबर आ रही है, पल्स ग्रुप के उत्ते विजिलेंस ने शिकंजा कस दिता है और जायदादों की जांच हुण वड्डे पद्धर के उत्ते विड़ दिती है। पंजाब भर के डीसीज नूं इस नूं लैके निर्देश जारी कर दिते गए ने। 2239 जायदादों की जांच के हुक्म दिते गए ने। जांच रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर मंगी गई है, तो जांच रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर मंगी गई है। पल्स ग्रुप के उत्ते विजिलेंस ने शिकंजा कसया, लोगों तो हज़ारा करोड़ों की ठगी करने वाले पल ग्रुप के उत्ते विजिलेंस ने शिकंजा कस दिता है। विजिलेंस ने सारे जिले के डीसीज नूं ग्रुप की 2239 जायदादों की जांच रिपोर्ट सौंपण नूं कहा। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जांच रिपोर्ट मंगी है। चीफ डायरैक्टर विजिलेंस ब्यूरो के वलों जारी पत्र दे विच कहा गया कि लोगों तो जालसाजी करके खरीदी गई जायदाद की रजिस्ट्रियां जमाबंदी ते इंतकाल रद्द किए जाण, तां ग्रुप की नजायज इमारतां जिहड़ियां ओह वी टाउन दे निर्देश दिते गए ने। वधेरे जानकारी लई पत्रकार आशु अनेजा साडे नाल जुड़ चुके ने। आशु, की कुछ जानकारी आ रही है, पल्स ग्रुप के उत्ते विजिलेंस ने शिकंजा कसया? डीसीज नूं ऑर्डर दिते सीगे कि तुसीं जिहड़ी सारी पल्स ग्रुप की प्रॉपर्टी है उन्हां दी जांच करो। जदों डीसीज ने पल्स ग्रुप की जांच की, तकरीबन 2000 तों उपर इन्हां दी प्रॉपर्टी सीगी पंजाब दे विच, अलग अलग थावां दे उपर तां पाया गया कि 31 प्रॉपर्टी जिहड़ी 31 जायदादां जिहड़ियां वेच दित्तियां गईआं, मतलब कि जिहड़ी आ प्रॉपर्टी पल्स ग्रुप की सीगी उन्हां विचों 31 जायदादां वेच दित्तियां गईआं, जदों कि सुप्रीम कोर्ट दे आदेश सन कि कोई भी प्रॉपर्टी वेची ना जाए। हुण सब तो वड्डी कार्रवाई, हुण हालांकि वो जिहड़ी जांच है 22039 दी वी तुसीं जिक्र कीता, उन्हां दी रिपोर्ट विजिलेंस कोल ऑलरेडी आ चुकी, जा चुके आ चुकी है, ते उस नूं लै के हुण सामने आया कि 31 प्रॉपर्टी उन्हां विचों वेचीआं, ते उन्हां अफसरां दे उपर हुण खिलाफ कार्रवाई होगी। जिहड़े अफसरां ने उह नजायज़ तरीके दे नाल प्रॉपर्टियां वेचीआं, चाहे वह रजिस्ट्रार है चाहे वह सब रजिस्ट्रार, नाल दी नाल ऑर्डर दे दित्ते है, नाल दी नाल विजिलेंस ने ऑर्डर दित्ते है डीसीज नूं कि है जी इन दिस्ट्री है जी 31 प्रॉपर्टी वेची गई है नजायज तरीके रद्द कीतिया जा, इंतकाल रद्द किए जा, जगह उपर नजायज अक्रोचमेंट हैगी, नजायज तौर पर कब्जे किए हुए हैं, पर्ल ग्रुप की आप जमीन खाली पी उ कोई कब्जा है तो उसू भी हटाने के आदेश दिए, तो अफसर उपर वी कार्रवाई करने के आदेश है। आशु, जिन्हां लोगों के नाल ठगी हुई है, जो धोखाधड़ी का शिकार हुए ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन्होंने भरोसा भी दिता सी कि असी तुहाडी भरपाई जिहड़ी है वह करांगे, तो जायदादों के उत्ते तो शिकंजा कसया गया, विजिलेंस के वलों निर्देश भी जारी किए गए हैं, पर जे गल करिए धोखाधड़ी वाले लोगों की भरपाई जिहड़ी हैगी है वह किवें कीती जाएगी? देखो अमन, गल करिए भगवंत मान सरकार ने कहा कि लोगों की भरपाई है जिहड़ी इन्हां दे पैसे दे राहीं कीती जाऊगी। जिवें जिक्र कर रहे कि 2000 तो उपर इन्हां दी प्रॉपर्टी पंजाब दे विच हैगी, तकरीबन करोड़ां रुपए की अरबां रुपए की वो प्रॉपर्टी बनती हैगी है, इसे करके जी नजायज तरीके प्रॉपर्टी वेची गई है, होर कोई प्रॉपर्टी ना वेच दे वो वापस ले जाऊगी। तो सारी प्रॉपर्टी एक तरीकेबंद तरीके जो कोर्ट के केस चल रहा है वो कोर्ट तो मंजूरी लैके सेल करके उस प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के राय जी तरतीब हैगी पंजाब सरकार की, उस प्रॉपर्टी के पैसे के राही लोगों का पैसा कुछ ना कुछ जोड़ा, चाहे 50% हो चाहे 60% होना पैसा लगभग उस प्रॉपर्टी के नाल बन जूगा, जो एस्टीमेटेड सामने आ रहा तो लोगों उस पैसे को वापस कर दिता जाऊगा प्रॉपर्टी ही सेल करके। जी शुक्रिया आशु जानकारी देने के लिए। तो दस दिए कि विजिलेंस ब्यूरो ने हुण माल विभाग को पत्र लिखिया जिस दे विच पल्स ग्रुप दीआं जायदादां दी पड़ताल अते इन्हां दी संपत्ति दे विच होए फेरबदल नूं लैके वेरवे मंगे गए ने। इस पत्र दे विच होर की कुछ खास है वह भी तुहानूं असीं दसदे हां। जांच एजेंसी ने उन्हां संपत्तियां बारे पुछिया जिन्हां दे जमीनी रिकॉर्ड दे विच नवीआं एंट्रियां दर्ज होईआं ने। डिप्टी कमिश्नरां नूं माल रिकॉर्ड दे विच दर्ज इन्हां एंट्रियां दी निजी तौर दे उत्ते तसदीक कीते जाण दी गल आखी गई है। इन्हां जायदादां दे होए तबादलों अते रजिस्ट्रियां बारे भी पूछा गया। इस बारे डिप्टी कमिश्नरां नूं लोड़ींदियां हदायतां जारी करने वास्ते आख्या गया। पल्स ग्रुप दीआं नजायज़ कब्जे हेठलियां संपत्तियां की शिनाखत करके इन्हां कब्जियां नूं हटाए जाण दी गल भी आखी गई है। इस ग्रुप दीआं संपत्तियां उत्ते डिस्पले बोर्ड लाए जाण बारे भी कहा गया। जिथे जिथे पल्स ग्रुप की जायदाद है उत्थे उन्हां दी खेती दे लई वपारक वरतों कीते जाण दी गल भी तोरी गई है, तां जो इस दी कमाई दे नाल निवेशकों नूं राहत मिल सके। इन्हां संपत्तियां की देखरेख वास्ते नोडल अधिकारी लाए जाने की हदायत भी की गई है। इवें इत्थे जिथे संपत्तियां की गलत तरीके दे नाल रजिस्ट्री जां इंतकाल वगैरह संपत्तियां के टाइटल तब्दील किए गए हैं उन्होंने रद्द किए जाने की हदायत भी की गई है। और डिप्टी कमिश्नर
ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।